कांवड़ यात्रा मार्ग पर मेरठ पुलिस प्रशासन ने अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर दी है। मेरठ शहर के अंदर जहां जहां से यात्रा जाएगी वहां डिवाइडर पर अवैध कट बंद करने शुरू कर दिए गए हैं। मेरठ शहर में चारों तरफ लगभग 22 किलोमीटर में ये अवैध कट बंद किए जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट देखिए। कांवड़ यात्रा हालांकि 22 जुलाई से शुरू होनी है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने मेरठ में पहले से ही अलर्ट मोड अपना लिया है। आप देख सकते हैं ये डिवाइडर के बीच में जितने भी कट्स खुले हुए थे उन्हें बल्लियों से पाटा जा रहा है और इन्हें बंद किया जा रहा है। रात भर ये काम चला है और पूरे दिन तक ये पूरे रुड़की रोड तक यानी कि देहरादून दिल्ली नेशनल हाईवे पर ये कट बंद कर दिए जाएंगे। अभी बच्चा पार्क बेगमपुर रोड पर ये कट बंद किए गए हैं और गढ़ रोड से हापुड़ रोड तक जो बुलंदशहर रोड है वहां पर ये कट बंद कर दिए गए हैं। प्राइवेट ठेकेदारों को लगाकर ये सारा काम किया जा रहा है। आप ही इसके ठेकेदार हैं? आप काम करा रहे हैं? ये बताइए कितने कट्स बंद कर चुके हैं आप, कब से बंद चल रहा है? हापुड़ अड्डे से यहाँ तक सारे कट बंद कर दिए। रात भर से काम चल रहा है। हाँ। और टारगेट कब तक है बंद करने का? परसों तक। दिन में भी काम जारी रहेगा? अभी चार तीन दिन काम चलेगा। तीन दिन काम। कितने किलोमीटर का कुल एरिया होगा? बेगमपुर से हापुड़ अड्डे तक का है ये ठेका आपके पास ही। और फिर वहां से गोल चौराहे से जेलजुंगी तक किए जा रहे हैं। ये देखिए बल्ली पड़ी है, सारे जो कट्स खुले हुए हैं ये बल्ली गाड़कर इसी तरीके से ये सब बंद कर दिए जाएंगे। वजह यह है कि इस रोड पर यहाँ कांवड़ यात्री चलेंगे, यहाँ से ट्रैफिक चलेगा और कोई पार करके कांवड़ यात्रा में विघ्न न डाले, उनके जो मार्ग है उसमें विघ्न न उत्पन्न हो, इसलिए ये कट्स बंद किए जाते हैं जिससे एक्सीडेंट की संभावना खत्म हो जाए और दूसरे विघ्न की संभावना खत्म हो जाए, क्योंकि कांवड़ खंडित होने का भी खतरा रहता है। ऐसे में ये जो आप ट्रैफिक देख रहे हैं 22 जुलाई से ये भी बंद हो जाएगा। बस दो तीन दिन की बात है, उसके बाद ये पूरी रोड जो देहरादून और हरिद्वार से आ रही है और ये हापुड़ और बुलंदशहर और मुरादाबाद के लिए निकल जाएगी, ये रोड पूरी तरीके से ब्लॉक कर दी जाएगी कांवड़ियों की तरह। पूरी रोड हम आपको दिखाएंगे गढ़ रोड तक कि किस तरीके से ये बैरिकेडिंग हो गई और शाम तक पूरा एरिया ये कवर कर लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान मुगलाई होटल बंद हो जाएंगे। कांवड़ मार्ग पर अब मीट की दुकानें नहीं खुलेंगी, ये रिपोर्ट देखिए। मेरठ की हापुड़ रोड नॉन वेज के शौकीनों के लिए बहुत मशहूर है। हापुड़ रोड से गढ़ रोड और उधर कमेले तक असंख्य मुस्लिम होटल हैं, जो आप देख सकते हैं सब जगह दोनों तरफ रोड के आपको ये होटल नजर आएंगे। और ये बस दो दिन का और मेला है, उसके बाद कांवड़ यात्रा मार्ग ये है, चूंकि ये सब होटल्स बंद हो जाएंगे। नॉन वेज फ्री जोन ये घोषित कर दिया जाएगा और कोई रेस्टोरेंट, कोई मीट की शॉप यहाँ खुलते नहीं पाई जाएगी। ये सारे जो हाजी गुलजार होटल से लेकर जितने भी नॉन वेज के बड़े बड़े सेंटर्स यहाँ हैं ये सारे बंद होने वाले हैं। और कुल मिलाकर अगर नॉन वेज लोगों को खाना होगा तो गलियों के अंदर जो मीट की शॉप्स हैं वहां से उन्हें लेना होगा और घर में पकाना होगा, या फिर जो बड़े होटल हैं और वो कांवड़ यात्रा मार्ग पर नहीं है वहीं पर्देदारी के तहत ये मीट परोसा जा सकता है। लेकिन कांवड़ यात्रा के तहत पिछले कई सालों से ये मीट की दुकानें यहां पर बंद हैं और रेस्टोरेंट भी बंद हैं। अब सिर्फ कल और परसों, उसके बाद ये सारी हापुड़ रोड जो है यानी कि पूरा मेरठ नॉन वेज फ्री जोन घोषित होने जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। गौतम बुद्ध नगर की स्क्रैप माफिया रवि काना